अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी बड़ा मकाम अता फरमाया है मीज़ान बैंक को, ये सिर्फ मीज़ान बैंक ही के लिए नहीं, मीज़ान बैंक की टीम ही के लिए नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र है। बल्कि अगर मैं कहूँ तो शायद बेजा नहीं होगा कि पूरे आलम इस्लाम के लिए एक फ़ख्र है कि आलम इस्लाम में किसी इस्लामिक बैंक को उस मुल्क के सबसे बेहतरीन अवार्ड का मुस्तहिक करार दिया गया। तो जो हजरात मीज़ान बैंक से किसी भी किस्म का ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास डिपॉजिटर होने की हैसियत से या इन्वेस्टर होने की हैसियत से या कोई फैसिलिटी हासिल करने के नुक्ते नज़र से, उन सब के लिए भी ये एक बहुत अच्छी खबर है। और इसके नतीजे में यकीनन मुसलमानों का ये फरीज़ा है कि वो अब सूदी बैंकों से अपनी जान छुड़ाएं और अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जो जंग का सिलसिला सूदी बैंकों में चल रहा है उससे अपना दामन बचाएं और एक ऐसे बैंक की तरफ रुजू करें कि जो उधर हकीकत इस्लामी बैंक भी है और साथ साथ अल्लाह ताला ने उसको टेक्निकल मामलात के रेटगल वजूह से भी एक फौकियत दूसरे बैंकों के ऊपर अदा की है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक अता करे।